दोस्तों शेयर मैं अपना अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म करना है कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अभी मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिए स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सब लोगों को। यस और नो? यस 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 ओके यस सर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, और आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, मैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारा एजुकेशन दे रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, कि एग्जैक्टली आप कैसे स्टॉक मार्केट को सीख सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जानना, और कैसे आप स्टॉक मार्केट में आकर ट्रेडिंग वगैरह अपना स्टार्ट कर सकते हो, और नॉर्मल जैसे सारी चीज़ें होती हैं। जब आप वो सारी चीज़ें सीख जाते हो, मैं उसके काफ़ी सारे आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ग्रुप्स में काफ़ी सारे लोग अपने ट्रेड्स शेयर करते हैं, चार्ट शेयर करते हैं, उसको भी देखकर आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक सीखे होंगे उस ग्रुप की हेल्प से। ठीक है, तो 1.5 ईयर्स में मैंने काफ़ी सारे लोगों को सिखाया, अप्रॉक्सीमेटली हमने लास्ट टाइम बैच 14 कंप्लीट करा है, कुछ टाइम के बाद मैं बैच 15 भी स्टार्ट करूँगा, और एक बैच में 40-50 लोग आते हैं, तो उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लो कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे से सीख चुके हैं। अब ये सेशन को अरेंज करने का मेरे पीछे एक मोटिव है, क्या है वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, बट वो चीज़ें जानने से पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान से समझना, और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ नॉर्मली कि स्टॉक मार्केट है क्या, जहाँ पे पब्लिक आती है, शेयर्स खरीदती है, बेचती है, और स्टॉक मार्केट में लोग आते क्यों हैं, जो सबसे मेन कारण होता है स्टॉक मार्केट में आने का, वो आप लोग बताओ कि आप लोग हो अप्रॉक्सीमेटली 40 लोग है क्लास में, आप लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो? इससे पहले आप जरूर अपना कोई बिजनेस कर रहे होगे, जॉब कर रहे होगे, पढ़ा रहे होगे, पढ़ रहे होगे, कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में कर रहे होगे, लेकिन स्टिल आप स्टॉक मार्केट को चूज़ करो, स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो, स्टॉक मार्केट में कुछ भी कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एग्जैक्टली आपका स्टॉक मार्केट के अंदर इंटर करने का क्या रीज़न है, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? 41 लोग हैं। सर, पैसिव इनकम जनरेट करना। ओके, हरजिंदर जी का है कि उनको पैसिव इनकम जनरेट करना है, दूसरा और कोई वो क्यों आए? सर, हम तो टाइम पास के लिए आए थे, पर अब मजा आने लगा है। अच्छा, आप टाइम पास के लिए आए थे, अब मजा आने लगा, और लोग बताइए। सर, एक है कि वो सपोर्ट भी, सपोज आपको अगर जैसे अभी बताया हरजिंदर जी ने, मेन स्ट्रीम कोई बिजनेस, कोई जॉब या कुछ कर रहे हैं, तो अपार्ट फ्रॉम दिस एक अगर वो स्टैंड बाई कुछ मिल जाता है, तो एक आप फाइनेंशियली आप सपोर्ट और फाइनेंशियली थोड़ा फ्रीडम रहता है, ये एक पर्पस है। ठीक है, बाकी अगर कोई एक लोग बोले तो बाकी लोग म्यूट करके रखेंगे, प्लीज पहले आप रूल समझो, एक लोग बोलेंगे बाकी सब लोग म्यूट करके रखेंगे, वरना क्लास डिस्टर्बेंस होगा। और अगर क्लास में है तो क्लास में फोकस कीजिए, और एक बार में कोई एक ही इंसान बोलेगा बाकी सारे लोग म्यूट करके रखेंगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? एनीवन अनम्यूट करके एक इंसान बोल सकते हैं। यस सर, सोर्स ऑफ इनकम के लिए, एडिशनल इनकम के लिए। ठीक है, एडिशनल इनकम के लिए, ओके म्यूट कर लीजिए। बाकी और लोग, फराज आप बताइए, अनम्यूट करके बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, ओनली पैसिव इनकम, ओनली फॉर पैसिव इनकम, ओके। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है वो है कि हम एक पैसिव इनकम के लिए आए हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक हार्ड ट्रूथ बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में आप पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकते हो। पैसिव इनकम का क्या मतलब होता है आप पहले समझो, कॉन्सेप्ट समझो, पैसिव इनकम का क्या मतलब होता है कि एक बार आपने मेहनत किया और उस मेहनत को करने के बाद फिर आप बिना मेहनत करे भी उस चीज़ से अपने पैसे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको पर डे स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, पर डे नए कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, नई एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, उसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो स्टॉक मार्केट तो पहली चीज़ पैसिव इनकम होता ही नहीं है, आप तो पहले ये समझो ये एक एक्टिव इनकम है जहाँ पे आपको पर डे काम करना पड़ेगा तभी जाकर आपको पैसे मिलेंगे। पैसिव इनकम का सिंपल, अभी देखो पैसिव इनकम मतलब समझो क्या होता है कि हमने क्या करा, एक फॉरेन एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि मैंने एक सब ब्रोकरशिप लिया किसी कंपनी का, उसके अंदर मैंने 10 अकाउंट्स ओपन करे, 10 अकाउंट्स में क्या हो गया, एक बार मैंने आप लोगों को मेहनत करके 10 अकाउंट्स मैंने अपने फ्रेंचाइजी के अंदर ओपन कर दिए, अब आप लोग ट्रेड कर रहे हो, उसका कुछ ब्रोकरेज जनरेट हो रहा, उस ब्रोकरेज का मेरे को बेनिफिट मिल रहा है,
तो एक बार मैंने मेहनत करा, अब उस ब्रोकरेज का बेनिफिट मेरे को लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा, इट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। तो सबसे पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पैसिव इनकम क्या होता है और एक्टिव इनकम क्या होता है। अब ये चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, बट जो मेन चीज़ है कि आप पैसे कमाने के लिए आए हो मैक्सिमम लोग, ठीक है। अब पैसे कमाना कैसे होता है, आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और कमाना मतलब वो होता है कि आप पर डे कुछ ना कुछ कमा रहे हो, ठीक है। बिजनेस में अगर 30 दिन चल रहा है, किसी दिन आपको 1000 रुपीज़ का, मान लो अगर कोई कपड़े का दुकान खोल रखा है, किसी को एक दिन 1000 का सेल होगा, किसी दिन 500 रुपीज़ का सेल होगा, किसी दिन 5000 रुपीज़ का सेल होगा, और शादी के टाइम में, फेस्टिवल के टाइम में 50000 रुपीज़ का भी सेल होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहोगे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो। उस बिजनेस में आप लॉस में जाओगे उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। ऐसे कई सारे बिजनेस होते हैं जिसमें आप ओवरऑल लॉस में जाओगे, वो तब होता है जब आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि बिजनेस करते कैसे है। बट अगर आपको थोड़ा हमारे कुछ पता है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब स्टॉक मार्केट में भी वैसा ही कुछ होता है। अभी तक मैंने जितने भी लोगों को सिखाया उसमें बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अभी कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर पा रहे होंगे, मैक्सिमम लोग लॉस में होंगे, ठीक है। अब देखो सेबी खुद बोलता है कि अप्रोक्सीमेटली 92-93% लोग क्या है, लॉस में है। अब जो आप इंटरनेट पे देखते हो कि भाई मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, मैंने 5 करोड़ का प्रॉफिट किया, मैंने 20 लाख का एक दिन में प्रॉफिट किया, मैंने 50 लाख का एक दिन में प्रॉफिट किया, उस प्रॉफिट को देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं। आफ्टर डेट फिर वो स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करते हैं कि मैं भी वो प्रॉफिट कर लूंगा, मेरे को भी वो प्रॉफिट हो जाएगा, इस वजह से वो स्टॉक मार्केट पे आते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है। अगर वो चीज़ आप नहीं देखोगे तो आप एंटर नहीं करोगे स्टॉक मार्केट में। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक लूप होल है जो आप लोग यहाँ पे, अभी आप लोगों को भी पता है कि आपने क्यों एंटर करा, आप प्रॉफिट के लिए एंटर करे और प्रॉफिट किसी के देखकर इन्फ्लुएंस होकर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करो। मैं खुद भी प्रॉफिट देखकर आया था, फैक्ट है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं एंटर करा तो मैं उस पर सीखने पे फोकस किया या सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में पैसे लॉस करा। अब देखो ये सेशन को रखने का रीज़न कि मैंने कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, एक ऐसा चीज़ डिज़ाइन करा है जिसको अगर आप अभी समझोगे तो आपका मतलब माइंड पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान से देखना हर एक चीज़। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए है, आपको करोड़पति बनाने के लिए नहीं है, आपको लाखपति बनाने के लिए नहीं है, या मुझे खुद लाखपति नहीं बनना, करोड़पति नहीं बनना, उस चीज़ के लिए है ही नहीं। ऐसा मैं कभी आपको नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तो आप एकदम प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आप फिर दुनिया के सारे चीज़ों को छोड़कर सिर्फ स्टॉक मार्केट में काम करो, आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे बाकी लोग आपको बोलते हैं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, आप आ जाओ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये फीस दे दो, ये फीस दे दो, और आपका मैं आपको प्रॉफिट करवा दूंगा, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये कोर्स खरीद लो, उसके बाद आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा वो आप लोगों को दिखाते हैं, और दिखाने आप लोग उसमें ट्रैप भी हो जाते हो। टेलीग्राम ना जाने आपने कितने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, ना जाने आपने कितने कोर्सेज करे, मैं आज तक किसी कोर्स के लिए पिछले 2 साल में 1 पैसे नहीं लिया किसी से। लास्ट टाइम मैंने एक एल्गो डिज़ाइन करा था, उस एल्गो में एल्गो का कॉन्सेप्ट बहुत सुपर था, फिबोनाची पे मैंने बनाया था, कुछ नया ट्राई करा था, बट वो एल्गो चल नहीं पाया पूरी तरीके से। क्यों, कॉन्सेप्ट तो अच्छा था बट उसको यूज़ करने के लिए हमारे को मार्केट में बैठे रहना पड़ेगा 24, जब भी मार्केट चल रहा था। तो एल्गो का क्या मतलब होता है कि ऑटोमेशन पर ही ट्रेड होना चाहिए, मैं बैठ के हर टाइम उसमें ट्रेड नहीं करूँगा, हर एक चीज़ चेंज नहीं करूँगा, तो वो उस वजह से चल नहीं पाया। बट अभी मैंने कुछ ऐसा डिज़ाइन करा है, ऐसा चीज़ बनाया है, उसमें मेरे को अप्रोक्सीमेटली 4 महीना लगे हैं इसको कम्प्लीट करने में। स्टार्टिंग के 3 महीना मैंने सिर्फ इसको बैक टेस्ट करा, समझा इसमें क्या क्या चीज़ें जिसको मैं इम्प्रूव कर पाया, हर एक चीज़ मैंने इम्प्रूव करा। लास्ट 1 मंथ से मैं इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा हूँ, उसमें क्या प्रॉफिट एक्चुअली में जनरेट हुआ है वो सारी चीज़ें मैं भी आपको लाइव अपने डीमैट अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा कि कितने कैपिटल मैंने उसमें यूज़ किया और कितने कैपिटल पे मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट करा है कंसिस्टेंसी के साथ, और कितने दिन लॉस हुए, कितने दिन प्रॉफिट हुए, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको पूरे डिटेल में ओपनली यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको इस चीज़ की चैलेंज देता हूँ कि जैसे मैं आपको एक चीज़ अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ, ऐसा आपको पूरे इंटरनेट पे कोई भी नहीं मिलेगा, और जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो लॉजिक बताऊंगा, वो तो आप समझो आपको मिलना ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अभी अपने पास ही अवेलेबल है। आप जाओ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, जहाँ सर्च करना सर्च कर लो, अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे आकर बताना, ठीक है। अभी उसके बारे में हमें स्टार्ट कर दें, वो एक्चुअली में है क्या चीज़ और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ अपने दिमाग में रखना, आपको लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोचोगे ना आप सीख पाओगे ना प्रॉफिट कर पाओगे, लेकिन अगर आप एक बार स्किल सीख जाओगे तो आप स्लोली स्लोली छोटे छोटे प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, आई होप आप अभी आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है और कैसे काम करता है। तो रेडी हो आप लोग, एक बार आप लोग मुझे यस और नो में बता दो।
रेडी हो आप लोग? ओके ठीक है, ओके गाइस ठीक है। अभी आप लोग थोड़े फोकस के साथ देखना, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। और एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, पहले ही अंडरस्टैंडिंग, मैं आपसे कोई भी चीज़ों के लिए कोई भी पैसे नहीं ले रहा हूँ। बट अगर मैं आपसे अब पैसे नहीं ले रहा हूँ तो आप लोगों को लगे यार पैसे तो ले नहीं रहे सर, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हमें मेरे को पता है इतने सारे कॉल्स आते हैं ना, आप मानोगे नहीं, मैक्सिमम पब्लिक मुझे बोलती है देखो फ्री की कोई वैल्यू नहीं, आप पैसे लो, पैसे लेकर कोर्स दो। बट स्टिल वो मेरी इंटरनली वाइब नहीं आती किसी से पैसे लेकर उसको कोर्स देने की। पैसे लेके मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दे सकता हूँ, बट क्लासेज जो है मैं अपने स्किल से दे रहा हूँ ना, तो मैं उसके लिए कभी चार्ज नहीं कर रहा आप लोगों के लिए। अगर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दूंगा उसके लिए मैं मे बी चार्ज पास्ट में भी कर रहा था, फ्यूचर में भी कर सकता हूँ, बट एजुकेशन के लिए मैं आपसे कभी कोई पैसे नहीं लूँगा, ये मेरी गारंटी है। सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, तो ये चीज़ की गारंटी है। एजुकेशन के लिए मैं कभी भी आपसे चार्ज नहीं करूँगा। कुछ प्रोडक्ट्स बना के दे रहा हूँ जिससे आपके लाइफ में बेनिफिट हो रहा है, आपको उसमें हेल्प हो रहा है, उसके लिए चार्ज, क्योंकि देखो मेरे खुद उसमें इन्वेस्टमेंट होंगे तो उसके लिए तो मैं चार्ज करूँगा ही। बट स्टिल अभी मैं बता रहा हूँ आपके लिए मैं कभी भी कोई भी पैसे नहीं लूँगा। अब हमें स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट क्या है और कैसे वो काम करता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा जैपनीज कैंडल है, ओके। मतलब इसको मैं एक सेकेंड के लिए बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या जैपनीज कैंडल है, जिसको देखकर हम क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं और ट्रेड को बाई सेल करते हैं, और जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अभी मैंने एक ऐसा एल्गो डिज़ाइन करा है जो कि नॉर्मल कैंडल्स पे नहीं चलेगा, नॉर्मल कैंडल्स बोले तो जैपनीज कैंडल पे नहीं चलेगा। अब वो एल्गो क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, किस तरीके से काम करता है, उसमें अभी तक क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो सबसे पहले आप समझ जाओ, देखो ये एक नॉर्मल कैंडल है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इस एल्गो को यहाँ पे लगाया, ठीक है। मैंने इस एल्गो को यहाँ पे लगाया, यहाँ पे आपको बाई सेल की सिग्नल दिख रही होगी, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये वैसा कुछ नहीं है, ये एक प्रॉपर एल्गो है। इसमें कुछ लॉजिक कोड किए गए हैं, उस लॉजिक को जब, उस पैरामीटर्स को जब कभी भी मार्केट में फुलफिल होता है तो वो यहाँ पे बाई और सेल का सिग्नल दिखाते हैं, ठीक है। अब जब आप देखोगे तो यहाँ पे ये बाई सेल का सिग्नल दिखा रहा है ऑलरेडी। अब नीचे हमारे को बैक टेस्ट रिजल्ट दिखता है कि भाई इसके पास्ट परफॉर्मेंस में क्या प्रॉफिट है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, अकाउंट्स पूरी तरीके से लॉस में है, मतलब 68। अब यहाँ पे थोड़े से इसके सेटिंग वगैरह भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वो किस तरीके से काम करता है। अभी देखो फॉर एन एग्जाम्पल हमारा 25,000 का कैपिटल है और हम एक लॉट में काम कर रहे हैं, ठीक है, 15 क्वांटिटी में, मतलब एक लॉट में बैंक निफ्टी में, तो हम ओवरऑल यहाँ पे लॉस में है। तो एक चीज़ आप पहले यहाँ पे समझ जाना है कि इसको हम नॉर्मल कैंडल्स पे यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसको मैंने बनाया है रैनको के चार्ट पे। अब रैनको का चार्ट क्या होता है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जब आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे तो जब आप कैंडल्स पे क्लिक करोगे तो नीचे में आपको दिखेगा हेकेनाची कैंडल, उसके नीचे दिखेगा आपको रैनको का, ठीक है, लाइन ब्रेक के ऊपर रैनको का चार्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, रैनको के चार्ट पे क्लिक करा। अब जैसे मैंने यहाँ पे रैनको के चार्ट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपका लॉस था वो स्टिल, मतलब तुरंत यहाँ पे क्या हो गया, वो प्रॉफिट में चेंज हो गया और आपका जो अकाउंट है वो प्लस में आ गया। एक्यूरेसी ये है, प्रॉफिट फैक्टर ये है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन ये है, एवरेज पर ट्रेड का प्रॉफिट ये है। तो अब आपको समझ में आया कि ये किस पे काम करता है, ये काम करता है रैनको के चार्ट पे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, रैनको का चार्ट यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब रैनको के चार्ट में क्या होते हैं, ब्रिक्स होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपको डब्बे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं ब्रिक्स, ठीक है। इस ब्रिक्स की कुछ वैल्यू होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि एक ब्रिक्स को हम कितने पॉइंट का बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रिक्स को अपने हिसाब से सेट कर रखा है कितना यूज़ होना चाहिए, ठीक है। वो बैंक निफ्टी का, निफ्टी का, डिफरेंट स्टॉक्स का, वो अलग अलग होते हैं कि कौन से स्टॉक्स का कितने पॉइंट्स डालना है, वो डिपेंड करता है उसके प्राइस के ऊपर। तो वो एक सेकेंड पार्ट है, बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझना। मैंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला है जिसमें मार्केट में जो एक ट्रेंड आता है ना, अब वो अप ट्रेंड का हो या डाउन ट्रेंड का हो, जो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आता है, वो पूरे ट्रेंड को किस तरीके से कैप्चर किया जाए और उस ट्रेंड को कैप्चर करने के साथ हमारा जो रिस्क हो वो बहुत मिनिमम हो, मतलब रिस्क हमारा बहुत छोटा हो और रिवॉर्ड हमारा बहुत बड़ा हो, ओके। अब देखो, अब हम स्टॉक मार्केट में जो हमारे साथ मैक्सिमम टाइम होता है वो क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि हमने 400 रुपये पे कोई बैंक निफ्टी का एक लॉट प्रीमियम खरीदा, 400 से ये 450 पे गया, हम यहाँ पे उसको सेल कर दिए, हमने 50 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, 450 से वो 500 गया और 500 के बाद वो 550 भी गया,
तो हमने तो यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर दिया था। अब हम यहाँ पे वेट करके बैठ के ये सोच रहे हैं कि अरे यार मैंने तो बहुत जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर दिया, अभी देखो यार वो 500 पे चला गया, 550 पे चला गया, अगर मैं वेट करता तो यहाँ पे 100 पॉइंट मुझे और मिल जाते हैं, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट है कि जब मार्केट यहाँ पे था तो क्या आपको ये बात पता था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा? अगर आपको पता होता तो आप यहाँ तक वेट करते बाई डिफॉल्ट, ये ह्यूमन नेचर है, आप आराम से वेट करते हैं। बट यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक करने का रीज़न क्या था कि आपको पता ही नहीं था कि वो यहाँ तक जाने वाला है, और ये चीज़ दुनिया में किसी भी इंसान को नहीं पता चलेगा और कभी भी नहीं पता चलेगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको। बट मैं भी आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता, बट मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, वो क्या है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक जाने वाला होगा, अगर यहाँ तक जाने वाला होगा और अगर हमारा ट्रेड यहाँ पे बाई हुआ है तो हमारा ट्रेड यहीं पर जाकर एग्जिट होगा, बीच में ये कहीं पे ट्रेड हमारा एग्जिट होगा ही नहीं। मतलब अगर ये प्रीमियम 400 रुपये पे बाई हुआ है और आने वाले टाइम में ये 600 पे जाने वाला है, तो ये 600 पे जब जाएगा तभी हमारा ट्रेड एग्जिट होगा, 450, 460, 470 इसके बीच में ये एग्जिट होगा ही नहीं हमारा पोजीशन। मतलब जितना बड़ा ट्रेंड होगा ये पूरे ट्रेंड को ये बैंक निफ्टी कैप्चर करेगा। अब ये किस तरीके से कैप्चर करेगा, अभी तक मैंने कैसे कैप्चर किया, मैंने ग्रुप में दो चार स्क्रीनशॉट डाले थे कि एक एक लॉट में मैंने 200-200 पॉइंट, 150-150 पॉइंट, 100-100 पॉइंट कैप्चर करें, किसी किसी में 250-250 पॉइंट कैप्चर करें। वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाया है वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब समझना, मैंने अभी आपको कौन सी लाइन बोली आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी प्रीमियम 400 से 600 पे जाने वाला है तो मैं यहाँ पे अगर कोई प्रीमियम बाई कर रहा हूँ तो 600 पे जब जाएगा तभी ये जाकर एग्जिट होगा, बीच में ये कहीं पे भी एग्जिट नहीं होगा और ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होगा। मेरे को बैठ कर मार्केट में मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। मतलब यहाँ पे वो ऑटोमेटिक बाई भी करेगा हमारे डीमेट अकाउंट में और ये यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे डीमेट अकाउंट में सेल भी करेगा, ओके। अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब ध्यान से समझना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको उसके कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ चार्ट पे। अब फॉर एन एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे आपको सिग्नल दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो ट्रेड है ना कॉल का बनाया है, मतलब इस वाले ब्रिक्स पे यहाँ पे हमारा कॉल का ट्रेड प्लस हुआ है। मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी जब कभी भी कॉल का यहाँ पे दिखा रहा, अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमारे को एट द मनी लेना है, इन द मनी लेना है या आउट ऑफ द मनी लेना, वो डेज के हिसाब से हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। अब जैसे हमने सेट कर दिया कि जब कभी भी यहाँ पे कॉल का सिग्नल दे तो बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट या 200 पॉइंट आईटीएम मतलब इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाई हो जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे कॉल का सिग्नल देगा ना तो हमारे डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रेड बाई हो जाएगा, हमारे को यहाँ पे मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे बाई तो हो गया, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये एग्जिट कब होगा। अब देखो ये एग्जिट एकदम अपने एक्सट्रीम लेवल पे जाकर होगा, जो इसका एकदम टॉप हाई बनेगा ना वहाँ पर जाकर ये एग्जिट होगा। अब ये एग्जिट कब होगा, जैसे ये चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, बीच में कोई एग्जिट नहीं। अब जैसे तीन अपोजिट ब्रिक्स बनेगा, तीन अपोजिट ब्रिक्स मतलब अगर कॉल साइड में चल रहा है तो तीन अपोजिट ब्रिक्स बोले तो तीन अपोजिट रेड ब्रिक्स जैसे बन गया ना, यहाँ पे हमारा ये ट्रेड ऑटोमेटिक कॉल क्लोज हो जाएगा और जैसे यहाँ पे सिग्नल आएगा हमारे डीमेट अकाउंट में जो कॉल का ट्रेड है वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। आपको वहाँ पे बैठ कर मैनुअल कुछ एग्जिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक होगा, ओके। अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे ट्रेड बाई हुआ और यहाँ पे वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब इस वाले ब्रिक्स पे अगेन इसने क्या करा, पुट का सिग्नल दिया। अब जैसे यहाँ पे इसने पुट का सिग्नल दिया, यहाँ पे हमारे डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिक 100 या 200 पॉइंट आईटीएम का पुट ऑप्शन बाई हो जाएगा। अब पुट ऑप्शन बाई हुआ तो ये एग्जिट कब होगा, ये भी अपने एक एक्सट्रीम लेवल पे जाकर होगा जब मार्केट में तीन अपोजिट ग्रीन ब्रिक्स बनेगा। तो देखो मार्केट चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया यहाँ तक आया, अब यहाँ पे तीन अपोजिट ब्रिक्स बना तो यहाँ पे ये वाला हमारा ट्रेड्स क्या है, पुट क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉसेज होंगे वो कब होंगे उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको समझ में आ गया कि इतने बड़े जो मूव है वो पूरे के पूरे मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी कैप्चर करेगा। अब देखो कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हुए, अभी मैं लाइव आपको पीएनएल भी दिखाऊंगा, अपना लाइव प्रॉफिट भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में, अगर इधर सिग्नल दिया तो यहाँ पर अगर इसने एग्जिट करा तो 170 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कैप्चर हुए हैं वन वे। अगर हम मैनुअल करते हैं तो 40-50 पॉइंट में हमारी हालत ख़राब हो जाती है, आगे हम पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पुट का ट्रेड दिया है और यहाँ तक बैंक निफ्टी चला तो 250 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कैप्चर करा है। अब 250 पॉइंट बैंक निफ्टी में वन वे पूरा का पूरा आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो आपको लॉस कब होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो
यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एग्जांपल्स दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे इसने इस वाले ब्रिक्स पे कॉल का ट्रेड दिया, कॉल का ट्रेड बाई हो गया। अब यहाँ पे तीन ब्रिक्स बन गया ऊपर के साइड का, ओके। अब जैसे यहाँ पे तीन ब्रिक्स बन गया, अब आपको पता है कि आपके डायरेक्शन में तो तीन ब्रिक्स ऑलरेडी बन चुका है। अब ये ट्रेड एग्जिट कब होगा? जब तीन अपोजिट रेड ब्रिक्स बनेगा, तो तीन अपोजिट यहाँ पे रेड ब्रिक्स बनेगा और यहाँ पे हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। तो ये पोजीशन एग्जिट कहाँ पे हुआ? जहाँ पर हमारा बाई हुआ वहीं पे हमारा लॉस होगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में ये वाला पोजीशन हमारा यहाँ पे कटेगा। अब लॉस कब होगा? जहाँ से ट्रेड बाई हुआ इस जगह पे, अगर यहीं से तीन अपोजिट रेड ब्रिक्स बना देगा तब हमारा पोजीशन हमारा यहाँ पे तीन ब्रिक्स का यहाँ पे लॉस होगा। अब एक ब्रिक्स की वैल्यू अगर हमने 10 पॉइंट का डाला है और तीन अपोजिट ब्रिक्स पे जहाँ से बाई हुआ वहीं से एग्जिट हो रहा, मतलब 30 पॉइंट का हमारा मैक्सिमम लॉस जाएगा। तो बैंक निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली मैंने 12 पॉइंट का अगर ब्रिक साइज सेट कर रखा है, तो तीन ब्रिक्स पे 12 के 36 पॉइंट का हमारा यहाँ पे लॉस होगा। अब इसमें स्लिपेज का भी प्रॉब्लम आएगा, तो स्लिपेज अगर हम 100% भी मान लेते हैं तो जो हमारा 40 पॉइंट है उसको हम डबल कर देते हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस जाएगा ना वो 80 पॉइंट तक का जाएगा। अगर मान लो 40 पॉइंट भी हम मान लें, जो हमारा एक्सट्रीम लॉस जाएगा एक लॉट में वो 80 पॉइंट तक का जाएगा। मतलब अगर आपने कोई प्रीमियम 400 पे खरीदा है तो 320 तक मैक्सिमम वो पोजीशन आपका एग्जिट हो ही जाएगा। बट जब प्रॉफिट की बात आएगी तो प्रॉफिट 400 का प्रीमियम 600 पे बेचेगा। अभी मैं उसका एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि रेनको चार्ट क्या होता है और यहाँ पे सिग्नल्स जो आ रहे हैं इसके पीछे कुछ लॉजिक है, 4-5 पैरामीटर्स है जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डेवलपर्स से उसको सारा चीज़ लॉजिक बताकर कोड करवा रखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिग्नल्स आते हैं और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग्स एग्जिट आते हैं। अब इस पे जो मैंने ट्रेड्स करे उसमें क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ उसके बारे में मैं भी आप लोगों को यहाँ पे पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। बट उसको दिखाने से पहले आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि जो भी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे समझाया ये सब लोगों को समझ में आया क्या? यस और नो? यस सर, बिल्कुल बढ़िया। किने का कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके सर, ये सेम डे बाय और सेल करेगा? यस, सेम डे इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं सिर्फ। सर एवरेज कितने ट्रेड्स लेगा एक दिन में, मतलब जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप चेक कर रहे हैं तो? सर बताता हूं। हां सर, अभी तक जो बताया वो क्लियर है ना? सिर्फ बनाना पड़ता है, इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, इसमें कोई ट्रेंड लाइन काम नहीं करता है, इसमें कोई फिबोनाची काम नहीं करता है, इसमें कोई हार्मोनिक काम नहीं करता है, इसमें सिर्फ ट्रेंड कैप्चर होते हैं, बस ट्रेंड कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। ओके सर। और सर कुछ बोल रहे थे, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, ये जो आपने लाइन प्लॉट कर रखी है साथ में, ये कोई मूविंग एवरेज वगैरह है कुछ? मूविंग एवरेज भी इसमें, इसके अलावा भी इसमें 4-5 कुछ और पैरामीटर्स है वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, बट मूविंग एवरेज के अलावा भी इसमें 4-5 और पैरामीटर्स है, उसकी वजह से वहाँ पे सिग्नल्स आते हैं, ठीक है? यस सर। और कोई डाउट आप लोगों का इसमें? साइडवेज में साइडवेज में कैसे चलता है उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो जब मार्केट साइडवेज होगा तो वहाँ पे हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा बनेंगे। अब साइडवेज को किस तरीके से टैकल करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर साइडवेज मार्केट है, ठीक है, और साइडवेज में पहली बात तो ये कि इसका पैरामीटर वो फुलफिल ही नहीं होगा जो इसमें ऑलरेडी कोड किया गया है, साइडवेज में बहुत कम ट्रेड्स बनेंगे। अब अगर ट्रेड्स अगर मान लो 5 या 6 ट्रेड्स बने, अब 6 ट्रेड्स में 5 ट्रेड हमारे क्या है साइडवेज में बाई हुए सेल हो गए, बाई हुए सेल हुए, बाई हुए सेल हुए, तो उसमें ना हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना ज़्यादा लॉस होगा, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस में वो ट्रेड हमारा कट जाएगा। लेकिन अगर एक भी ट्रेंड मार्केट में मिल गया तो वो ट्रेंड का जो प्रॉफिट होगा वो प्रीवियस 5 ट्रेड के लॉस के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। अब इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने ये जो अभी मैं आपको पूरा लाइव पैनल दिखाऊंगा, अक्टूबर के महीने में 33,000 से अपना ट्रेड स्टार्ट करा, कितने कैपिटल से? 33,000 ओनली। अब 33,000 के कैपिटल को यूज़ करके मैंने कितने प्रॉफिट जनरेट करे वो मैं भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अब एक चीज़ समझना, मैंने सारे के सारे ट्रेड सिर्फ एक लॉट में करे हैं, एक लॉट में, दो लॉट भी नहीं, एक लॉट में, ठीक है। एक लॉट में 33,000 के कैपिटल से कितने ट्रेड्स हुए वो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। मैं यहाँ से फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और अक्टूबर 1 सेलेक्ट करता हूँ और 22 अक्टूबर आ जाए हमारा, अभी तक जो ट्रेड्स हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान से समझना, मैंने सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करे और कैपिटल जो था हमारा वो कितना था, 33,000 रुपीज़ का। अब मैं यहाँ पे इंटर दबाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे लॉस जो हुआ है सिर्फ मुझे एक दिन हुआ है,
मेरा टारगेट था कि इस पूरे महीने में एक दिन भी लॉस ना हो, पूरे के पूरे महीने मेरे ग्रीन में जाए, बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन मेरे को यहाँ पे लॉस गया, ठीक है, और लॉस मेरे ही कारण गया था क्योंकि उस दिन मैं दूसरे काम के बिजी के चक्कर में एल्गो पे फोकस नहीं कर पाया। तो इस दिन जो लॉस गए थे वो सिर्फ और सिर्फ 541 रुपीज़ का गया था। ओके, प्रॉफिट के कंपेरिजन में 541 रुपीज़ का ही हमारा सिर्फ लॉस गया, इससे बड़ा लॉस कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ पूरे डेज की बात कर रहा हूँ, दिन में तो हुए हैं 1000, 1200, 1500, 1600 का भी लॉस हुआ है, बट डेज हमारा प्रॉफिट में ही ऑलवेज क्लोज हुआ है। अब नेट प्रॉफिट आप देखो कितने रुपये का हुआ, 22,320 रुपये का सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि एक लॉट में ये प्रॉफिट हुआ, 10 लॉट में कितने प्रॉफिट हुआ, वो भी मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ताकि आपका दिमाग पूरी तरीके से समझ में आए कि हाँ किस तरीके से ये काम करते हैं। मेरे पास 10 लॉट वाले भी अकाउंट है, ठीक है। अब देखो टोटल हमारे प्रॉफिट्स कितने हुए, 22,000 रुपीज़ का, ब्रोकरेज वगैरह टैक्सेस वगैरह काट कर अभी तक हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 19,000 रुपये का। अब एक चीज़ समझो, 33,000 के कैपिटल पे 19-20,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ है, तो कितने परसेंट का रिटर्न जनरेट हुआ है वो आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। ये तो हमारा प्रॉफिट का रहा बात, मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ आपको बस इसलिए कि जो हमारा लॉजिक है, जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से होता है। एग्जीक्यूशन का तरीका क्या है कि हमारा ड्रॉ डाउन बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। ओके, अब मैं आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करता है। देखो कितनी क्वांटिटी है, 15 क्वांटिटी। प्रीमियम बाई कितने पे हुआ है, 479 रुपीज़ पे। सेल कितने पे हुआ है, 576 रुपीज़ पे। अप्रोक्सीमेटली 96-97 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हुए और एक लॉट में 1400 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ। ओके, अब ये वाला ट्रेड देखो, एक लॉट 15 क्वांटिटी, यहाँ पे हमारा बाई हुआ कितने रुपये पे, 453 रुपीज़ पे, और सेल कितने पे हुआ, 631 रुपीज़ पे। इसमें टोटल प्रॉफिट एक लॉट में कितने हुए, 2670 रुपये का। अगर हम मैनुअल ट्रेड करने बैठेंगे और एक लॉट में ट्रेड लेंगे, 500, 600, 700 बहुत ज़्यादा अगर ताकत है, 1000 रुपये तक हम रुक सकते हैं, वो भी बहुत उतनी कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि 1000 रुपये का प्रॉफिट आपको डायरेक्टली नहीं दिखता कभी। पहले वो 500 दिखेगा, वापस वो 300 पे आएगा, वापस वो 700 पे जाएगा, अगेन वो 200 पे आएगा। तो आपने पहले 700 का देख रखा था, वापस से वो 200 पर आ गया, 500 पे जाएगा, बुक कर दोगे। ये ह्यूमन नेचर है जो हमारे साथ भी होता था, सबके साथ होता है, बट इसमें वैसा कोई सिनारियो ही नहीं है। यहाँ पे पूरा जितना बड़ा ट्रेंड रहेगा वो पूरा ट्रेंड कैप्चर करेगा, ठीक है। तो 453 रुपीज़ पे प्रीमियम बाई हो रहा है और कितने पे सेल कर रहा है, 631 रुपीज़ पे। यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ, 2600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लॉस की बात करोगे तो 7200 रुपीज़ का लॉस गया है, ठीक है। मतलब ये जो जहाँ पे बाई हुआ वहीं पे सेल हो गया था, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा और नीचे आते हैं, अभी देखो यहाँ पे हमारा दो लॉट बाई नहीं हुआ, यहाँ पे दो बार ट्रेड हुए हैं, मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 51800 के पी पे दो बार ट्रेड बाई हुए होंगे सेम डे पे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो इसका एवरेज देखोगे तो 346 रुपीज़ पे बाई हुआ है और 54-59 रुपीज़ पे सेल हुआ, मतलब 100 पॉइंट से भी ज़्यादा। इसमें प्रॉफिट कितने हुए, 3300 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि इसमें प्रॉफिट कैसे आते हैं और इसमें लॉसेस कैसे जाते हैं। अब मैं आपको कुछ लॉसेस दिखाता हूँ, जैसे देखो 441 रुपीज़ पे बाई हुआ, इसमें लॉस 1600 का, दो बार इसमें ट्रेड हुआ, इसमें भी दो बार ट्रेड हुआ तो 1100 का लॉस। अब इसमें देखो ये वाला एक ही लॉट बाई हुआ है, ठीक है। अब ये वाला ट्रेड कितने पे बाई हुआ, 289 रुपीज़ पे, और सेल कितने पे हुआ, 465 रुपीज़ पे। एक ही लॉट में 2600 रुपये का प्रॉफिट जनरेट हुआ। अगर हम कोई प्रीमियम 280 रुपये पे, 289 रुपये पे खरीद रहे हैं, 300, 320, 330, 350 जाते जाते हम उसको बेच ही देंगे, लेकिन 350 के बाद वो 400 भी जाती है, 450 भी जाती है, बट वहाँ तक तो कोई वेट नहीं कर पाता। लेकिन ये एल्गो इस तरीके से डिजाइन है कि इसकी जो एक्सट्रीम हाई पॉइंट होगी 465 की, वो वहाँ पे एग्जिट करेगी और जो वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे, मतलब तीन अपोजिट ब्रिक्स बनेगा तभी। अब इसमें ये रन को जो चार्ट होता है ना, वो सिर्फ ट्रेंड कैप्चर करता है, ट्रेंड ही कैप्चर करता है, तो जितना बड़ा ट्रेंड होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे और देखो, इसमें फिर आपको लॉसेस भी गए हैं, ठीक है। अब इधर आते हैं, अब यहाँ पे देखो आपको समझ में आएगा। ये वाला ट्रेड देखो, इसमें तीन बार ट्रेड बाई हुआ, 390 रुपीज़ पे ये ट्रेड हमारा यहाँ पे बाई हुआ, कितने रुपए पे, 390 रुपीज़ पे, और सेल कितने पे हुआ, 560 पे, 150 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे भी आपको कैप्चर हुआ है। तो इसमें प्रॉफिट कितने हुए, 7600 रुपये का एक ही दिन में। ये भी मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। और अगर हम नीचे देखें, 383 रुपीज़ पे इसने बाई करा, 476 रुपीज़ पे बाई किया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये सारा चीज़ पता है कैसे हुआ, ऑटोमेशन पे हुआ। मैंने एक भी ट्रेड मैनुअल नहीं बाई करे, मैंने एक भी ट्रेड मैनुअल नहीं एग्जिट करे, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हुआ है, जहाँ पे मैंने कुछ भी मैनुअल नहीं करा, ऐसा पूरा का पूरा मैंने सिस्टम इसको डिजाइन कर रखा है।
ये वाला ट्रेड देखो, 330 रुपये पे बाई करा, 426 रुपये पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी आपको 100 पॉइंट्स 1400 रुपये का प्रॉफिट। देखो 419 रुपीस पे बाई हुआ और 540 रुपये पे इसने बेचा, 1800 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी तक में 22 दिनों में 22000 रुपये का प्रॉफिट है पर डे का एवरेज, मतलब समझो 1000 रुपये का, और टोटल ब्रोकरेज वगैरह काट कर 1900 रुपये का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम बोले तो अभी अगर हमारा इसमें इस मंथ में हमारा कितना ट्रेडिंग सेशन और बचा हुआ है, आज हमारा 22 हो गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये भी रिपोर्ट मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन इधर हो गए, और उसके बाद तीन दिन इधर हो गए, तो 6 दिन और ट्रेडिंग सेशन होंगे। तो मैं तो एवरेज मान के चल रहा हूँ पर डे का 1000 रुपये, तो 5-6 हज़ार रुपये इसमें और जुड़ जाएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 24-25 हज़ार रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और कैपिटल इसके लिए मैंने कितना यूज़ करा, सिर्फ और सिर्फ 33,000 रुपीज़, ठीक है। क्योंकि देखो एक लॉट में मैं ट्रेड बाई सेल कर रहा हूँ, उसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी होती है आप लोगों को भी पता होगा ना, 7-8 हज़ार 9 हज़ार रुपये, पर 33,000 रुपीज़। तो आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। इसमें मैं कुछ स्टॉक्स को भी बाई सेल करता हूँ, मतलब इक्विटी में भी काम करता हूँ, टाइटन हो गया, इन्फोसिस हो गया, इक्विटी में भी ट्रेड्स इंट्राडे में बाई सेल होते हैं 25-25 शेयर्स में, ठीक है। अब मैं आपको उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप सिर्फ देखोगे इक्विटी का ट्रेड्स तो इसमें भी ओवरऑल प्रॉफिट ही है, बट इसमें ब्रोकरेज हमारा ज़्यादा गया है। देखो इसमें अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4 दिन लॉस गए हैं, बाकी सारे दिन प्रॉफिट गए। ओवरऑल तो हमारे को 3400 रुपये का इक्विटी में प्रॉफिट हुआ है, बट इसमें ब्रोकरेज देखो कितने चले गए, 4000 रुपये ब्रोकरेज ही कट गए, क्योंकि इक्विटी में ज़्यादा ट्रेड्स बन रहे और यहाँ पे जो काम होते हैं वो सिर्फ 25 शेयर्स में होते हैं। तो 25 शेयर्स में क्या होते हैं, प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं बट ब्रोकरेज ज़्यादा लग रहे टर्न ओवर की वजह से, तो ओवरऑल इक्विटी में हमारा क्या है, लॉस है। बट अगर हम इक्विटी में अपना क्वांटिटी साइज 25 शेयर की जगह पे 100 शेयर्स कर देंगे तो फिर हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब जो ट्रेड्स मेरे अकाउंट्स में होते हैं वो सेम ट्रेड्स कॉपी होते हैं बाकी के मल्टीपल अकाउंट्स में। अब देखो यहाँ पे एक अकाउंट है, इसमें 10 का मल्टीप्लायर सेट किया हुआ है। 10 का मल्टीप्लायर होता है कि अगर मेरे अकाउंट्स में एक लॉट में ट्रेड बाई हो रहे हैं तो इसमें 10 लॉट में ट्रेड बाई होंगे। इसका आज का ही प्रॉफिट देख लो, 10 लॉट में कितने प्रॉफिट हुआ है, 10,553 रुपये का, ठीक है। और जिसमें मतलब कम लॉट होंगे उसमें कम प्रॉफिट्स होंगे, जिसमें ज़्यादा लॉट होंगे उसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। और आज पूरा का पूरा ओवरऑल जो एल्गोमेट ट्रेड्स हुए उसमें 1000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ, जो कि एक मास्टर अकाउंट होता है और उस मास्टर अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट्स चलते हैं, मतलब एक ही अकाउंट में ट्रेड जाता है और वो ट्रेड्स कॉपी हो जाता है बाकी के नीचे जितने अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे अकाउंट्स में, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स कन्फिगर है इन लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स कन्फिगर है ना इन लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो उनका चॉइस है, बट उनके अकाउंट्स में ये ट्रेड्स ऑटोमेटिक होता रहेगा, ठीक है। आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी अपना लाइव पीएनएल भी दिखाया किस तरीके से ये काम करता है, कितने दिन प्रॉफिट हुए, कितने दिन लॉस हुए। आने वाले टाइम का भी मैं आपको पर डे के हिसाब से यहाँ पे दिखा दूंगा कि इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। पर डे का मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज भी दूंगा, ठीक है। आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा एल्गो था जो अभी ऑलरेडी रेनको के चार्ट पे चल रहा है, जो प्रॉफिट मेन अकाउंट्स में जनरेट हो रहे हैं वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। अब अगर आप लोगों का इससे कोई डाउट है तो एक एक करके डाउट पूछेगा, अगर कोई एक बार में एक इंसान बोल रहा है तो बाकी अपने हिसाब से, आपको पता है कि अगर दो लोग एक बार में बोलेंगे तो मुझे किसी का भी कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो अगर कोई एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे लोग म्यूट पे रहेंगे हमेशा, जब वो बात कंप्लीट कर देंगे वो म्यूट कर लेंगे, फिर आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हो। आप एक एक करके जिनका जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। पहले आपको डाउट क्लियर हुआ, मतलब सारी चीज़ें क्लियर हुआ जो भी मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, यस सर नो, यस यस सर, ठीक है, यस सर, यस। तो ये जो एल्गो है ये जो मैंने पहले बनाया था उससे काफ़ी डिफरेंट है। पहले मैंने फिबोनाची पे एल्गो बनाया था, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने उस एल्गो को लिया भी था, बट उसमें क्या था कि उसमें हमारे को डेली बेसिस पे लेवल्स चेंज करने होते थे, तो उसमें समझो मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ उसमें लॉसेज हुए थे, ठीक है। उसको मैंने अपने लेवल पे टेस्ट भी नहीं किया था जो कि मेरी गलती थी, बट इसमें मैंने ऑलरेडी पूरा टाइम लिया, 3 महीने पूरी तरीके से इसके साथ बिताए, 1 महीने मैंने पूरा अपने अकाउंट में लाइव ट्रेड करे, जब मुझे सारी चीज़ों की सेटिस्फैक्शन मिली देन मैं अब आप लोगों के सामने इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम करता है। अब देखो इसमें भी मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा जो एम है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, क्लियर है। मेरा एम बस ये है
कि अगर ये अकाउंट इससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है ठीक है एक लॉट में, तो बस मेरा एम क्या है कि ये प्रॉफिट आपके भी अकाउंट में हो। मेरा पूरा थॉट क्लियर है, मैं आपके सामने एकदम ओपनली बोल रहा हूँ। मैं इसमें अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे इस चीज़ के लिए इतने पैसे पे करो तभी जाकर आप इसको यूज़ कर पाओगे, ऐसा मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। ये सब लोगों के लिए क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट आप लोग पहले मुझसे जो आपके डाउट्स है वो पूछ लो, और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया इसमें कोई डाउट है या वो चीज़ें समझ में आई या नहीं आई वो मुझे बताओ एक बारी। यस और नो, समझ में आया क्या सब लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगर किन्हीं का कोई डाउट है तो एक एक करके पूछिए। उसमें मैक्सिमम कितने लोग दे सकते हैं हर चीज? कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितने लॉट से भी ट्रेड करो, जितना आपकी कैपिटल। हाउ मेनी ट्रेड इन अ डे? सॉरी, कितने ट्रेड एक दिन में कर सकते हैं? देखिए इसमें जो मैक्सिमम ट्रेड्स होंगे ना वो आपके हिसाब से मैं बताऊं, अभी तक का जो है मतलब 7 से 8 ट्रेड्स होते हैं और ये हमारे हाथ में कंट्रोल होता है ठीक है, कि एग्जैक्टली कितने ट्रेड्स हमारे को करने हैं। मान लो स्टार्टिंग के 2 ट्रेड्स में हमारे को 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, एल्गो बंद कर देंगे, आगे का कोई ट्रेड ही नहीं लगेगा। स्टार्टिंग के 2 ट्रेड्स में हमारे को 400-500 हज़ार रुपये का लॉस हो गया, हम उसको कंटिन्यू चलने देंगे, जैसे हमको दिखा कि हाँ प्रॉफिट हो गया बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप पूरे दिन उसको यूज़ ही करे जा रहे हो सिर्फ बैंक निफ्टी में, तो मैक्सिमम जो है ना 7 से 8 ट्रेड आपके पर डे के बनेंगे और ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव मिल जाएगा। सर मेरे एक एक करके बोलिए प्लीज, सब लोग म्यूट करके रखेंगे, सिर्फ अभी आशीष जी बोलेंगे, सब लोग म्यूट करके रखेंगे। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि लॉस प्रॉफिट देखो आप यहाँ पे फिक्स मत करो, जो आपके लिए बेटर होगा। उससे क्या होता है कि अगर हमने एक बार फिक्स कर दिया वो लॉस अगर रीच कर दिया तो आपके डीमैट अकाउंट में फिर अगले कोई ट्रेड नहीं लगेगा, तो उससे बेटर है कि हम लॉस प्रॉफिट कोई फिक्स नहीं करते। हमें पता है कि एल्गो एट द एंड ऑफ द डे हमारे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही देगा, और इसमें लॉस ज्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पता है आपको जो इसमें ड्रॉडाउन है ना वो बहुत मिनिमम है, 3 ही ब्रिक्स का है, जहाँ पे बाई होगा वहाँ से 3 अपोजिट ब्रिक्स बनेगा, पोजीशन ऑटोमेटिक कट जाएगा। एक ब्रिक्स अगर हमारा 12 पॉइंट का है तो 3 ब्रिक्स बोले तो 36 पॉइंट, इसको मैं डबल कर देता हूँ तो 76-80 पॉइंट से ज़्यादा आपका लॉस कभी नहीं जाएगा एक ट्रेड्स में। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, जो कि मैंने अभी आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखाए यहाँ पे ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस इतना ही जा सकता है आपका। सर मेरा एक क्वेश्चन था, सर मुझे डाउट था, पूछना था। बोलिए सर। मेरा ये डाउट था, अभी जो आपने मुझे अपने स्क्रीन शेयर की थी सर, तो बाकी अकाउंट्स वगैरह भी थे उसमें, तो सर उसमें से कुछ अकाउंट्स में लॉसेस भी थे, तो सर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो अकाउंट देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये जस्ट एक कॉपी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। देखो कॉपी ट्रेडिंग लिखा है ना, ये कॉपी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रेड कॉपी होते हैं। अब वहाँ पे जितने अकाउंट्स लगे हुए हैं वो सारे अकाउंट्स, जरूरी नहीं कि सारे के सारे एल्गो पे ही ट्रेड हो रहे हैं, वो अपने मर्जी से भी ट्रेड करेंगे ना, तो उनको तो बाई डिफॉल्ट लॉस ही होगा ना। अगर कोई अपने मर्जी से ट्रेड करेगा तो उनको तो नुकसान ही होगा, तो वो तो उनको उसका उनकी गलती है ना। अब उनके अकाउंट में ज़्यादा कैपिटल है तो वो एल्गो के साथ साथ अपना भी मैनुअल ट्रेड्स डाल रहे हैं, तो उसमें उनको लॉस जा रहा है, जिस वजह से उनका ओवरऑल लॉस में, तो उसमें हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। बट अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम अकाउंट में आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही दिखेगा, बाकी जो अकाउंट्स में आपको लॉस दिख रहा है इसमें 50,000 मतलब मैक्सिमम अकाउंट्स में आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स दिखेगा ठीक है, मैक्सिमम अकाउंट्स में। बट जो लॉस में आप जो देख रहे हो ना वो क्या होता है, अपने मर्जी से ट्रेड करते हैं, इस वजह से उनको वो लॉस जा रहा ठीक है। मेन अकाउंट ये है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, ये मेन मास्टर अकाउंट है जिसमें मेन ट्रेड्स जाते हैं और इससे ही सारे ट्रेड्स कॉपी होते हैं। ओके ठीक है, क्या इसका वीडियो शेयर करेंगे? मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया है, जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द होल थिंग। ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है तो YouTube पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। अच्छा ठीक है, नॉर्मली आप ग्रुप में भी भेज देते हैं ना? हाँ ग्रुप में भी भेज दूंगा। एक ब्रीफ बता दीजिए, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? बता देता हूँ, पहले डाउट्स क्लियर करता हूँ, उसके बाद डाउट्स जैसे जैसे क्लियर होंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। किन्हीं का और कोई डाउट? सर कोई भी ब्रोकरेज अकाउंट का अकाउंट लिंक है, मे बी जीरो था आप स्टॉक। देखो वैसे तो कोई भी ब्रोकर्स का अकाउंट यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो सकता है ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको आगे कुछ बताता हूँ। पहले ये चीज, ये डाउट ठीक है, वैलिड पॉइंट है, उसको मैं क्लियर करता हूँ। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? ये इसमें स्ट्राइक प्राइस कौन सा लगा? स्ट्राइक प्राइस वो अपने हिसाब से हम सेट करते हैं। आज अगर मान लो एक्सपायरी का दिन है तो 300-400 पॉइंट्स आईटीएम का ट्रेड उठाएगा, अगर मान लो जस्ट एक्सपायरी के कल वाला दिन है तो एट द मनी या 100 पॉइंट आईटीएम के साथ वो हमारा काम होगा। तो वो डेज के हिसाब से हम सेट करते हैं कि किस दिन हमारे को कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम करना है, जो कि मेन मास्टर अकाउंट में सेट होता है, और उस मास्टर अकाउंट से वो सेम स्ट्राइक प्राइस कॉपी होते हैं बाकी के सारे चाइल्ड अकाउंट्स में।
इसके अलावा और कोई डाउट किसी का? हेलो सर, 20th नवंबर के बाद अब जो वीकली एक्सपायरी है वो खत्म हो जाएगी, तो सर ये इंट्राडे हम उसमें भी कर सकते हैं आप मंथली एक्सपायरी में? हाँ, इंट्राडे तो किसी में भी कर सकते हैं, वहाँ पे बस प्रीमियम हमारा हाई हो जाएगा, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। तो सर हमें कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा? हाँ ऑब्वियसली बात है, कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा, बट वहाँ पे फिर हम अपना उसमें भी मैं सिस्टम थोड़ा चेंज करूँगा तो वो हो जाएगा, उसका ऑलरेडी अपने पास पूरा प्लान सेट है, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कैपिटल बस ज़्यादा लगेगा, बस काम हो जाएगा। इन दैट केस सर निफ्टी में कर सकते हैं ना फिर? हाँ हाँ, आप किसी भी इंडेक्स में उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी तो वीकली, निफ्टी का तो वीकली रहेगा। करेक्ट, ठीक है, समझ में आया। इसमें और कोई डाउट किसी का? हेलो सर, बोलिए सर, इसको अप्लाई कैसे करेंगे? एक मिनट, पहले जीतू जी बोल देते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए जीतू जी, आपको क्या डाउट है? सर इसमें कम से कम कितना कैपिटल होना चाहिए? बताया 35,000 मिनिमम, 33,000 से तो मैंने स्टार्ट करा, आप मिनिमम अपने डीमैट अकाउंट में 35,000 रखोगे तभी मैं इस चीज़ में आपको हेल्प कर पाऊंगा, इस चीज़ को यूज़ करने में। अगर आपके अकाउंट में 35,000 रुपये नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा ही नहीं कि आप इस चीज़ को यूज़ करो। मिनिमम 35,000 रिक्वायरमेंट है इस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या डाउट है सर? इसको अप्लाई कैसे करेंगे? उसके बारे में बताता हूँ। इसके अलावा और कोई डाउट किसी का? स्ट्राइक प्राइस ये खुद सेलेक्ट करते हैं? वो सब आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ ऑलरेडी। ओके, तो मेन अकाउंट सर आपका रहेगा और हमारा कॉपी अकाउंट रहेगा? ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि आप इसको फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मेन हमारा मास्टर अकाउंट होगा, उस मास्टर अकाउंट्स में एल्गोसी ट्रेड्स आते हैं और वो ट्रेड्स आपके अकाउंट्स में बट ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएंगे, और जो अकाउंट्स मेरे अकाउंट्स में जो प्रॉफिट होंगे वो बाय डिफॉल्ट आपके भी अकाउंट्स में आपको प्रॉफिट दिख जाएंगे और रियल टाइम पे आपको दिखेंगे। जैसे ट्रेड्स लगेंगे आपको नोटिफिकेशन जाएंगे ना कि यार ये प्रॉफिट हुआ ये लॉस हुआ, आप देख सकते हो और पर डे के हिसाब से वो आपको दिखेगा। ठीक है सर, इसको पासपोर्ट शेयर करना पड़ता है क्या सर हमारा? हाँ, अगर डीमेट अकाउंट को अपने पास हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके लिए आपको अपना डीमेट अकाउंट का आईडी पासवर्ड एक बार ओटीपी जाएगा वो बताओगे तभी आपका अकाउंट यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा। आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन फिर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रेड, वो एपीआई के थ्रू होता है तो एपीआई लगता है उसके लिए, तो वो चीज़ें हम आपको आगे बता दूंगा कैसे होता है। इसके अलावा और क्या डाउट है वो बताऊँ? कैसे आप यूज़ कर सकते हो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, जो कॉन्सेप्ट है जो चीज़ें हैं उसमें क्या डाउट है वो पूछो। मतलब सर इक्विटी में सिर्फ करना हो तो वो फ्यूचर में जाएगा कि इक्विटी में? इक्विटी में ही करेगा? इक्विटी में करेगा, इंट्राडे, इंट्राडे में शॉर्ट सेल भी होते हैं ना स्टॉक्स, तो इंट्राडे में स्टॉक्स को सेल भी करेगा बाई भी करेगा, स्टॉक्स अगर गिर रहा है तो भी प्रॉफिट, स्टॉक्स अगर ऊपर जा रहा है तो भी प्रॉफिट। इक्विटी का फ्यूचर में नहीं करेगा ना? नहीं नहीं, वो हम सेट करेंगे ना, अगर हमारे को फ्यूचर में करना तो हम फ्यूचर का लगाएंगे, अगर हमारे को ऑप्शन में करना तो हम ऑप्शन का लगाएंगे, लेकिन मैं इसको सिर्फ इक्विटी में करता हूं। देखो इक्विटी में भी अगर आपको सिर्फ करना है ना तो देखो इंट्राडे ट्रेड्स होता है, इंट्राडे में सारे ब्रोकर्स आपको मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको 5 times का, तो उसके लिए भी आप मिनिमम 35,000 रुपीज रखोगे तभी आपका काम हो पाएगा। कौन सा सेल ले रहा है उसका प्राइस कितना है, 1500 है 200 है 500 है, वो सब इसके हिसाब से रखना पड़ेगा ना? वो आप कुछ नहीं करोगे, बोल तो रहा हूँ वो सारा मैं सेटअप करूंगा ना, आपके अकाउंट्स में बस ट्रेड लगेंगे। देखो आप बस आम खाओ गुठलियां मत देखो, गुठलियां मत गिनो। ओके थैंक यू सर। सर इक्विटी में अपने मास्टर अकाउंट में कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स सेट कर लेंगे, उन्हीं पे ट्रेड्स आएंगे जो उनको सही लगते होंगे। करेक्ट, और बताओ और क्या डाउट्स है आप लोगों के? और कोई डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बताऊं आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। यस सर, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट करता हूं। देखो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं, ये मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद बनाए, इससे मेरे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुए हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ऐसा प्रोडक्ट तो मैं बना नहीं सकता हूं क्योंकि मैं कोडर हूं नहीं, इसके लिए अलग मैंने डेवलपर हायर किया, उसने उसको मैंने लॉजिक बताया, उसने पूरा कोड करा, जो उसके कोडिंग लैंग्वेज होते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये जो आप यहाँ पे कोड जिनको पता होगा थोड़ा सा कोडिंग वगैरह के बारे में उनको अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की कि हाँ ये किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे इसके पूरे कोड होते हैं। ठीक है, अब इसने पूरा उसको कोडिंग करके ऐसा जो सेटअप मैंने बताया उसको एग्जैक्टली उसने बनाया, तो इसके लिए उसने मेरे से चार्जेस लिया, तो चलो चार्जेस तो मेरे गए, अब उसके अगेंस्ट में मेरे को कैसे बेनिफिट होगा आप लोगों से वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था क्या होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होता है कि फॉर एन एग्जांपल मैंने किसी एक ब्रोकर का फ्रेंचाइजी ले लिया, फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप
हमारे फ्रेंचाइजी के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, अब जब उसमें ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप कुछ ब्रोकरेज जनरेट करोगे। अब जब वो ब्रोकरेज जनरेट करते हो तो वो डायरेक्ट जाता है कंपनी के पास। अब आपका अकाउंट्स मेरे फ्रेंचाइजी के अंदर अगर रहेगा तो जो भी ब्रोकरेज जनरेट होगा उसके कुछ पार्ट्स वो कंपनी मुझे देती है, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप इस एल्गो को यूज़ करना चाहते हो तो आपको इसमें जो डीमेट अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा वो यूज़ करना पड़ेगा एलाइस ब्लू का। फर्स्ट ऑफ ऑल एलाइस ब्लू का ही आपको यहाँ पे डीमेट अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जितने मेरे पास यहाँ पे अकाउंट्स है वो सारे के सारे मैंने सिर्फ और सिर्फ एलाइस ब्लू के अकाउंट्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ों की क्लियरिटी अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एलाइस ब्लू का अपना अकाउंट यूज़ करना है और वो अकाउंट मेरे फ्रेंचाइजी के अंडर होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे इस चीज़ के लिए कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे इतने पैसे दो तभी आप इस एल्गो को यूज़ कर पाओगे, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं दे रहा हूँ। मैं आपसे इनडायरेक्टली चार्ज कर रहा हूँ जिसमें आपके पॉकेट से कोई पैसे नहीं जा रहे, आपको बस मेरे लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। एक बार आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया, आपके अकाउंट्स को मैं अपने पास कॉन्फ़िगर कर दूंगा, अपने मास्टर अकाउंट से कॉन्फ़िगर कर दूंगा। अब मेरे अकाउंट्स में जो ट्रेड लगेंगे वो ट्रेड्स ऑटोमेटिक आपके अकाउंट्स में भी कॉपी हो जाएंगे और जो प्रॉफिट होगा वो आपको हो जाएगा, जो प्रॉफिट होगा मुझे हो जाएगा। इसके अगेंस्ट में मुझे आपसे क्या बेनिफिट हो रहा है, जब आपके अकाउंट्स में ट्रेड लगेंगे तो उसमें कुछ ब्रोकरेज जनरेट होंगे। मान लो 1000 रुपीज़ का ब्रोकरेज जनरेट हुआ, अब उसके कुछ शेयरिंग मेरे और मेरे एलाइस ब्लू के बीच में कमिटमेंट है, एग्रीमेंट है, वो शेयरिंग मेरे को बाय डिफॉल्ट रिटर्न आ जाएंगे। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज का बेनिफिट चाहिए आपसे। मैं आपके पॉकेट से एक रुपया आपका खर्च नहीं करवाना चाहता हूँ। आप इसको बाय डिफॉल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करो। आपका बस काम ये करना है कि आपको एलाइस ब्लू का ही अकाउंट्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है मैं मुझे कुछ बेनिफिट होगा तभी मैं आपको ये चीज़ दूंगा। अगर मुझे बेनिफिट ही नहीं हो रहा तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दूंगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेरे इन्वेस्टमेंट लगे हुए हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे रिटर्न जनरेट करने पड़ेंगे, तो वो रिटर्न जनरेट होंगे मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज से। तो यहाँ पे आपका भी लॉस नहीं है, मेरा भी लॉस नहीं है, मेरा भी काम हो रहा है और आपका भी काम हो रहा है, और ये सारा चीज़ ऑटोमेशन पे हो रहा है। ऑटोमेशन ऑब्वियस बात है टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी को मैं दिन भर बैठ के देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, आपके अकाउंट्स को समझ रहा हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसके लिए मेरा दिन भर का टाइम जाएगा उस चीज़ में। तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें अच्छे से काम करेगी, ठीक है? आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से काम करते हैं और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल सी चीज़ें, आपको बस अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। डीमेट अकाउंट एक बार आपने ओपन कर दिया, आपका अकाउंट्स में कॉन्फ़िगर कर दूंगा, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स में ट्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कैपिटल मिनिमम 35,000 रुपीज़ रखना है, जो प्रॉफिट मेरे पास होगा वो प्रॉफिट आपके पास भी हो जाएगा और वो आपके डीमेट अकाउंट में पर डे के हिसाब से दिखेगा, ठीक है? आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपका इसमें कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट इसमें किन्हीं का? सर अर्जी, ऑलरेडी अगर किसी का एनएस में जैसे मेरा है ऑलरेडी, तो क्या मैं उसको शिफ्ट करवा सकता हूँ आपके रेफरल आईडी से? शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से हो जाता है, हो जाएगा वो। हाँ, उसका प्रोसेस बता दीजिएगा सर मुझे। एक एक करके बोलिए। देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं, एक नॉर्मल मेल करना होता है, वो अकाउंट शिफ्ट हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर आपके पास अकाउंट अगर वो शिफ्ट नहीं हो पाता, फैमिली मेंबर में आपको किसी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो लिंक अकाउंट मैं यहाँ पे कन्फिगर कर दूंगा, उसमें काम हो जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, मैं आपको रेफरल लिंक दूंगा, उस लिंक से ही आपको अकाउंट क्रिएट करना है। वो मेरे टर्मिनल में दिखने चाहिए कि हाँ आपका अकाउंट मेरे फ्रेंचाइजी के अंडर है, तभी आपका अकाउंट यहाँ पे कन्फिगर होगा। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर वो चीज़ें नहीं होगी। ओके, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। बताइए और क्या डाउट है आप लोगों के? सर लिंक ग्रुप में भेजेंगे या फिर पर्सनल कैसे लिंक? ग्रुप में भी भेज दूंगा, जिनका भी अकाउंट ग्रुप में उस लिंक से अकाउंट ओपन होगा वो सब लोगों को बाय डिफॉल्ट मेरी 2-3 लोगों की टीम है वो आपको रीच करेगी, आपका अकाउंट भी ओपन करवा देगी, और अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपके अकाउंट को कन्फिगर भी कर देगी, और कन्फिगर करने के बाद आपके अकाउंट में ट्रेड भी चालू हो जाएगा, ठीक है? मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ करूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी टीम है, वो आपको कॉल कर लेगी, कॉल करने के बाद आपका अकाउंट भी ओपन करवा देगी, अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपके अकाउंट को कॉन्फ़िगर भी कर देगी, आपको कितने लॉट में करना है वो आप उनको बता सकते हो, और उतना ही लॉट में आपके अकाउंट्स में ट्रेड जाएगा, ठीक है? और वो ट्रेड्स डायरेक्ट कॉपी होगा मेरे अकाउंट से। और बताओ और क्या डाउट है? जी सर, जो लॉट बाद में चेंज करवा सकते हैं ना, जैसे अब मे बी एक महीने बाद प्रॉफिट हो गया है तो? बिल्कुल करवा सकते हो नरेंद्र जी। सर मैं एक सर वो मनी
सर वो मंथ स्टार्ट पे ऐसा तो नहीं कि कभी भी करवा सकते हैं या नहीं, वो मंथली प्रोसेस है कि मिनिमम उसका प्रोसेस है, मिनिमम 30 डेज में कोई लॉट साइज चेंज नहीं होगा। अगर आपने 1 तारीख को स्टार्ट किया तो 30 तारीख तक तो लॉट आप चेंज कर ही नहीं सकते, वो हम करेंगे ही नहीं। आफ्टर 30 डेज फिर ही वो नेक्स्ट मंथ के लिए चेंज होगा, और अगर हमने एक बार चेंज कर दिया ना उसको हम कम करेंगे और ना ज़्यादा करेंगे। क्वांटिटी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या डाउट है वो बताइए। सर एक डाउट और था, जैसे आप इन केस जब प्रॉफिट हो जाता है प्रॉफिट विड्रॉ तो कर सकते हैं? अरे सर आप पर डे के हिसाब से विड्रॉ करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिनिमम 35,000 मिनिमम हम रखना है। हाँ 35,000 छोड़कर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है पर डे के हिसाब से विड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है और क्या डाउट है बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था ये तो वोलेटाइल मार्केट में काम करेगा ये आप पहले को? ये वोलेटाइल मार्केट में ही सबसे अच्छा काम करता है। मतलब मैं कह रहा था जैसे कि एक बार में 70-80 पॉइंट की 100 पॉइंट की कैंडल बन जाती है, फिर वो उसी अगले उसमें जो है 70-80 पॉइंट मार्केट गिर जाती है, तो ऐसे में तो स्टॉप लॉस तो इतने होंगे इसमें। आपने स्टार्टिंग का वीडियो नहीं देखा लगता, ये कैंडल्स यूज ही नहीं हो रहा। पहले अमित जी आप ये समझो, यहाँ पे मैं ब्रिक साइज यूज कर रहा हूँ और ब्रिक से कुछ पॉइंट्स के वैल्यू है, आप इस वीडियो को यूट्यूब पे डालूंगा ध्यान से देखना। ऑलरेडी काफी सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करा था, यहाँ पे कैंडल्स का यूज ही नहीं है। वापस से दिखाता हूँ, ये रैनको का चार्ट है, यहाँ पे कोई वीक नहीं बनता, कोई कैंडल्स नहीं बनता, ये ब्रिक साइज है। ब्रिक्स की कुछ वैल्यू होती है, उतने पॉइंट्स कैप्चर होते हैं उतने टाइम फ्रेम पे वो ब्रिक्स कंप्लीट हो जाता है, दैट्स इट। इसमें और कुछ है ही नहीं। अब देखो लॉजिक के लिए मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट इम्पॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव डीमेट में दिख जाएगा। कोई डाउट? रेफरल कोड शेयर कर देना जिससे थ्रू हम अपना अकाउंट ट्रांसफर कर सकें। हाँ ग्रो कर दूंगा मैं। 35,000 पे हम मिनिमम कितने लॉट के लिए अपनी गाइडेंस दे सकते हैं? 35,000 के कैपिटल से मिनिमम एक लॉट ही ट्रेड होगा और इक्विटी में जो ट्रेड होंगे वो 25 शेयर में होंगे। गुरु जी बोलिए। सर बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही, एक एक करके बोलिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ वाई ओनली वन लॉट। वन लॉट क्योंकि कैपिटल ही 33,000 यूज कर रहे हैं ना, तो अपने को पूरा रिस्क मैनेजमेंट करके काम करना है ना वन लॉट में। अगर आपको दो लॉट में काम करना है, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको दो लॉट में काम करना है तो फिर वहाँ पे सिर्फ मैं स्टॉक्स में काम इंडेक्स में काम नहीं कर रहा हूँ, पहले आप ये समझो, दो इक्विटी में काम हो रहे हैं और एक इंडेक्स में काम हो रहे हैं, वो तीनों चीज़ को यूज़ करने के लिए 35,000 रुपीज़ का कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब 35,000 में मतलब, आप एक मतलब बार एक लॉट लेंगे आप इंडेक्स में, एक बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, ऐसे आप एक एक लॉट लेंगे? निफ्टी में अभी ट्रेड नहीं होगा, सिर्फ बैंक निफ्टी में और दो कोई भी स्टॉक्स में हो सकते हैं, और दो जो स्टॉक्स में होगी उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 25-25 होगी। अब आप बोलते हो कि मेरे को जो है ना क्वांटिटी डबल करना है, दो लॉट और 50 शेयर में, तो आपकी कैपिटल भी डायरेक्ट डबल होगी, 35 से 70 हो जाएगी। और इसी के लेकिन अगर आप स्टॉक्स में करेंगे तो स्टॉक्स में तो किसी का प्रीमियम ज़्यादा होगा किसी का प्रीमियम कम होगा, और 35,000 के अंदर नहीं गिरेगा तो? अरे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है ना, मैं कौन सा स्टॉक्स चूज़ कर रहा हूँ वो तो मुझे भी पता नहीं कि कैपिटल अगर 35,000 रुपीज़ है तो मुझे उस हिसाब से ये स्टॉक्स लेने हैं जो ऑलरेडी उसमें बाई हो जाए, ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी ना कि हाँ मुझे कौन से स्टॉक्स लेने और कौन से स्टॉक्स नहीं लेने जो कि 35,000 के अंडर में ट्रेड बाई सेल हो जाए। वो तो ठीक बात है ऑफकोर्स, तो ये ऑलरेडी आप बैक टेस्टिंग कर चुके हैं क्या इसको? आपने स्टार्टिंग का वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप इसको वापस देखना। 4 महीने से ऑलरेडी इसको मैंने बैक टेस्ट किया, 3 महीने 1 महीने से इसको लाइव यूज कर रहा हूं, फिर ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है तो व्हाट इज द एवरेज मंथली रिटर्न? महेंद्र जी सब कुछ दिखा दिया इस वीडियो में, मैं यूट्यूब पे डालूंगा आप फिर देखना। बाकी इसके अलावा जो डाउट है वो पूछो आप। सर सर जैसे अभी कोई जना इक्विटी में ना करके सिर्फ इंडेक्स में करना चाहता तो वो ऑप्शन दे सकते हैं आपको? देखो 35 पे हम ज्यादा लॉट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इक्विटी का ऑप्शंस दे सकता हूं लेकिन सिर्फ इंडेक्स का ऑप्शन नहीं दे सकता हूं। बाई डिफॉल्ट दोनों तीनों चीज़ यूज़ करना है क्योंकि मैंने चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर रखा है। कभी अगर दो स्टॉक्स में लॉस हो रहे म्यूट कर लो बाकी लोग प्लीज़, अगर दो स्टॉक्स में लॉस हो रहे तो एक इंडेक्स में प्रॉफिट हो रहा है, अगर एक इंडेक्स में लॉस हो रहे तो दो स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहे हैं, अगर मान लो एक स्टॉक्स और एक इंडेक्स में लॉस हो रहे हैं तो एक स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने तीन प्रोडक्ट को इसलिए डिज़ाइन करा है क्योंकि उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते, तो तीनों चीज़ को डाइवर्सिफाई करके ओवरऑल हमारा डे ग्रीन में ही चला जाता है पर डे के हिसाब से। इस वजह से जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना कि एक ही दिन हमारा नुकसान गया है सिर्फ अब 16 तारीख को, बाकी सारे दिन प्रॉफिट में इस वजह से गए। ऐसा नहीं हुआ कि बीच में बैंक निफ्टी में लॉस नहीं आया, लेकिन उस दिन स्टॉक्स में इतने प्रॉफिट आ गए थे कि वो बैंक निफ्टी के लॉस को रिकवर करके हमारा डे ग्रीन में क्लोज कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए।
क्लियर है अभी? कॉन्फिगर होने के बाद हमें बार बार ओटीपी और पुष्टि नहीं देना पड़ेगा। वन टाइम अगर आप मुझे दे दोगे तो वो आपको डेली देने की जरूरत नहीं होती है। एक बार आपने दे दिया, आपको बस अपना पासवर्ड चेंज नहीं करना, टीओटीपी डिसेबल, वो आपको समझा दिया जाएगा जब कॉल आएगा, तो वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओटीपी वन टाइम ही लगता है, हमेशा डेली डेली नहीं लगता, ठीक है? सर अगर बोलिए, और कोई डाउट? सर मैं बोल रहा था जैसे आप कर रहे हैं तो मैं चाहूँ तो सर उस ट्रेड में मैं भी मैनुअली कर सकता हूँ या फिर वो ऑटोमेशन ही रहेगा? आप अपने मैनुअल अगर करना है तो कैपिटल 35,000 रुपीज छोड़कर उसके अबव में अगर आपके कैपिटल में 50,000 और है तो उससे आप ट्रेड बाई सेल करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे को लगा सिर्फ वो फिर आप ही के पास एक्सेस रहेगा, वो आप ही करेंगे ऑटोमेशन? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा ओके सर ठीक, बस सिर्फ वो कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए। यस करेक्ट। ओके ओके, ये सोफे दो मोबाइल में एक साथ चल सकता है सर? यस। और इसमें टेलिंग शॉट टेलिंग एसएल का सिस्टम है? इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कोई सिस्टम नहीं है, इसमें पूरा ट्रेंड एक बार में कैप्चर करता है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिट इतने ऊपर जाकर करता है कि वो आपका एक एंड पॉइंट होता है, फिर वहां से मैक्सिमम टाइम मार्केट नीचे ही जाता है। ठीक है सर, और बताओ सर? मैं कह रहा था लॉसेस होते हैं तो रिकवरी का कैसे अगर लॉस हो जाते हैं, अगर तीसरा दिन लगातार ही हो सकता है? देखो अगर आपको लॉसेस भी होता है ना तो इस चीज़ में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मिनिमम 10% का आपके टोटल कैपिटल पे रिटर्न मैं अपने पॉकेट से दूंगा। सॉरी सर, जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो आपको सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा कि आप सर क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, बट मुझे पता है कि मैं कैसे करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें, और मैं आपको कैसे 10% का आपके कैपिटल, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका कैपिटल 35,000 है, इट मीन्स कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका कैपिटल 35,000 रुपीज़ है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा, तो आपके टोटल कैपिटल का 10% मंथली बेसिस पे, जो कि 3500 रुपये होते हैं, वो मैं आपको मंथली रिटर्न दूंगा, वो अपने पॉकेट से दूंगा। वो कैसे दूंगा वो आप मेरे पे छोड़ दो। सर आज वाले जो फिन निफ्टी की रैली थी डाउन वाली, वो पूरी कैप्चर कर पाएगा? अरे जो डाउन वाली, अरे आपको दिखाता हूँ लाइव, छोड़ो उसको। ये बैंक निफ्टी का जो लास्ट वाला रैली था ना, जो मार्केट यहाँ से गिरा था, एक सेकेंड, वन सेकेंड, यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का पुट कट सिग्नल आया ना 2:15 पे, यहाँ से बैंक निफ्टी जो पूरा गिरा ना, तो यहाँ तक हमारा ट्रेड कैप्चर होगा। लेकिन इसमें टाइम एग्जिट हमारा 3 के बाद कोई पोजीशन रहता नहीं है सिस्टम में, तो 3 हमारा वो पोजीशन एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये जो पूरा रैली है ना, ये पूरा कैप्चर होगा। यस ओके डन। और बताओ और क्या डाउट है? मंथली एक्सपायर होगा तो स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? फिर से बोलिए। भी मंथली एक्सपायर हो जाएगा, अभी जो सीटो नया रूल चल रहा है, नए उसके हिसाब से अगर मंथली एक्सपायर हो जाएगा तो स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं करना, अपने को जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना वो इंट्राडे में ही कंप्लीट होगा। इंट्राडे में? हां यस। इसके अलावा और क्या डाउट है वो बताओ। और सर ये एलिस ग्रुप का अकाउंट खोलने का सर, उसका क्या ऑनलाइन ही खुल जाएगा जो आप जो रेफरल लिंक दे दिए? मैं ग्रुप में ऑलरेडी लिंक दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट्स बना लेना। अकाउंट ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कॉल आ जाएगा आपको कल, और आपका अकाउंट्स पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा इसमें सर कुछ वो करना पेमेंट भी सर, इनिशियली कुछ पे भी करना होगा ड्यूरिंग ओपनिंग द अकाउंट? अकाउंट ओपनिंग सब कुछ फ्री होता है, अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है चलिए, बहुत सारे लेते हैं सर नहीं लेते फ्री है। डीमैट अकाउंट रिकवर कैसे हो सकता है? डीमैट अकाउंट रिकवर मतलब सर, आपने जब ये एल्गो बनाई थी पहले वाली, तो आपने लिंक भेजा था, मैंने अकाउंट बनाया था, फिर वो यूज हुआ नहीं, अब पासवर्ड वगैरह यूज करने की याद नहीं, वो सब करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको यूज करना है आप मैसेज कर देना, वो सारा सेटअप मैं आपका वापस से रीएक्टिवेट करा दूंगा। मेरा बना हुआ है ना आपके लिंक से? अरे वही मैं बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका काम चालू हो जाएगा, ठीक है? आप मैसेज डाल देना बस। ग्रुप में भेज दें ऑलरेडी, जिनको भी यूज करना है।
ऑलरेडी ओपन अकाउंट को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो आपकी रेफरल आईडी से उसके लिए ठीक है, आप मैसेज करना है वो बता देना, मैसेज करना, वो सारा प्रोसेस आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, सेम है, मेरे पास भी ऑलरेडी अकाउंट ओपन है, मैं आपको वन टू वन मैसेज करता हूं सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? सर ये नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, कैसे? आप अगर कल अपना अकाउंट ओपन कर लेते हो तो परसों से आपका काम चालू हो जाएगा। किसको कांटेक्ट करना उसके लिए? कांटेक्ट किसी को भी नहीं करना, आप बस अपने डीमैट अकाउंट जो लिंक दें उसमें अपना अकाउंट बना लो, कॉल आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपका सारा काम चालू हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी है आपके पास, कोई इशू नहीं है, तो आपका काम ऐसे ही चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बस मैं कल पैसे डाल दूं उसमें? बिल्कुल ठीक। ठीक है, और कोई डाउट सर? इसको बार बार यानी देखना तो नहीं पड़ेगा ना, आप जो करोगे यानी हमको देखना तो नहीं है ना बार बार मोबाइल में? आपको कुछ नहीं करना, आप सुबह डायरेक्ट और लॉग इन करके एक बार देख लेना और एक बार फिर डायरेक्ट अपने सामने देखना क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ बस। सर एक लास्ट डाउट करने का, बोलिए। सर इन केस जब हमें कहीं 35,000 की जरूरत पड़ जाए तो अकाउंट ये हमें बंद करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? बस आप बता देना कि भाई मेरा अकाउंट बंद, मैं फंड्स विड्रॉ कर रहा हूँ, आप ट्रेड बंद कर दो तो आपका अकाउंट यहाँ से, देखो फंड निकाल दोगे तो ऑर्डर तो बाय डिफॉल्ट जाएंगे ही बट वो रिजेक्ट होंगे क्योंकि शॉर्टफॉल ऑफ मार्जिन, आपके फंड मिलेगा तो वो रिजेक्ट होते रहेंगे, आप बता दोगे तो बेटर रहेगा कि हाँ कम से कम आपका अकाउंट मैं यहाँ से हटा दूँ ताकि वो भी ऑर्डर ना जाए आपके पास। और सर अगर दोबारा आए थे तो दोबारा रीइनिशिएट हो जाएगा? अरे बिल्कुल। तो सर ऐसा तो नहीं कि एक महीना हमने किया तो अगले महीने ही रीइनिशिएट होगा या बीच में कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हो, बट इम्पोर्टेंट है कि जिस दिन स्टार्ट कर रहे हो उससे अगले 30 दिन तक कम से कम उसको डिस्टर्ब ना करो अगर आपको कोई पैसे की नीड ना हो तो। जी 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 बस यही बात। ठीक है, और बताओ और क्या डाउट है सर? मैं एल्को के लिए। हाँ बोलिए सर। मैं ये कह रहा था मेरा अकाउंट आपके लिंक से पहले से एक्टिवेट है पर यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह नहीं पता मुझे, सब बता दूंगा बता दूंगा अमित जी, बता दूंगा, टेंशन ना लो। फिर आपको क्या दिखाएगा अमित जी आप? सर एल्को के लिए कुछ और चार्ज नहीं है ना, क्योंकि ज़रूरत हमें एल्को के लिए 2000 चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं? ना ना ठीक है, कोई चार्ज नहीं है आप बस। इसके अलावा और कोई डाउट है? मैं अपना स्क्रीन अभी तो ऑफ कर सकता हूँ ना सर? यस सर। सर आपने जो अकाउंट दिखाया था उसमें एक ज़ीरोधा का भी अकाउंट था, तो क्या वो भी आप? देखो कॉन्फ़िगर में कोई भी अकाउंट कर सकता हूँ लेकिन अगर किसी और का मैं अकाउंट कर रहा हूँ तो उसके लिए फिर अलग से मैं उनसे चार्ज लेता हूँ क्योंकि उनका मुझे ब्रोकरेज का बेनिफिट नहीं आता। अब जिनका आपने एंजल देखा, जिनका आपने ज़ीरोधा देखा, उन्होंने पेमेंट करा उसके बाद, क्योंकि मुझे ब्रोकरेज नहीं आ रहा ना उनसे, तो ब्रोकरेज नहीं आएगा तो मैं तो फिर मंथली बेसिस पे उनसे ब्रोकरेज का जो अमाउंट होता है वो तो उनसे बाय डिफ़ॉल्ट लूँगा मैनुअली, तो वो पैसा पे करके फिर एल्गो को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है सर, वो भी अमाउंट भी अभी बता दें क्योंकि अगर कोई यार दोस्त है जिसका नहीं एलिस्ट है या फिर ज़ीरोधा के थ्रू करवाना चाहता है तो वो हमें थोड़ा सा बता दें। मैं बता दूंगा जिनको यूज़ करना है ना, आप मैसेज करना, मैं बता दूंगा, ज़्यादा चार्ज नहीं है, नॉर्मल बेसिक है जो हर एक इंसान अफोर्ड कर सकता है। ठीक है सर। देखो मेरा मेन मोटिव पैसे कमाने का बिल्कुल भी नहीं है, मेन मोटिव है बस आप लोगों का हेल्प करना। आपको थोड़ा सा जो लॉसेज होते हैं, मैक्सिमम लोगों को लॉसेज ही होते हैं, वो अगर महीने के 4,000-5,000-8,000-10,000 अगर प्रॉफिट हो रहा है 33-35,000 के कैपिटल पे आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, यही मेरा मेन है, यही सोच के मैंने ये चीज़ों को स्टार्ट करा है। पहले स्टार्ट करा बट फेल हो गया, वापस से उसको इम्प्लीमेंट करा, चीज़ों को सही करा, अगेन स्टार्ट कराऊँ तो होपफुली मैंने अपनी पूरा बैक टेस्ट किया है, 3 महीने लाइव डीमैट अकाउंट में 1 महीने यूज़ करा फिर स्टार्ट करा, पहले मैंने ये सब चीज़ें नहीं करा, गलती हुई थी उस टाइम लॉसेज गए, एक्सेप्ट भी करता हूँ, जिन्होंने से मैंने एल्गो लिया था उनको मैंने रिफंड भी कर दिया क्योंकि मुझे पैसे की नीड नहीं है, मुझे है कि आप लोगों की हेल्प करना। 2 साल से फ्री में सिखा रहा हूँ, एक पैसे का बेनिफिट नहीं है बट स्टिल आगे भी सिखाता रहूँगा, तो ये भी एल्गो के लिए मुझे आपसे कोई डायरेक्ट पैसा नहीं मांग रहा हूँ, जस्ट डीमैट अकाउंट खोलना ताकि ब्रोकरेज का बेनिफिट आ जाए, आप इसको यूज़ करो, जो प्रॉफिट हो रहा पूरा रखो, मुझे प्रॉफिट शेयरिंग आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। व्याज भी देखिए सर 1.61 से रिवर्सल हुआ था थोड़ा सा, हालांकि आज फुट का टोटल मार्केट है, इसको कम बैक थोड़े से 20 मिनट के लिए मार्केट गया था। अरे बिल्कुल आप उसको यूज करते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और क्या डाउट है वो बताओ? अभी मार्केट का जो स्थिति है उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
सर आपसे बात करनी हो तो कब कर सकते, क्योंकि मैंने स्टार्ट एल्गो जो देखो आपको अगर लिया था, बात करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है, आप मुझे कॉल कर लेना, बात कर सकते हैं, नंबर भी डाल देता हूँ 9341309। और कौन से टाइम पे बात कर सकते हैं? अरे मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, आप जब आपको टाइम मिले तो आप मैसेज डाल देना, क्योंकि मैंने स्टार्ट एल्गो में पैसा भरा था और लॉस गया था, मैंने बंद कर दिया, इसके लिए उसके बारे में बात करना था। ठीक है, नंबर दे दिया, मैसेज कर देना, जिनको यूज करना है ग्रुप में मैंने लिंक दे दिया, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लो, एक बार आपका अकाउंट बन जाएगा बाय डिफॉल्ट आपके पास कॉल आ जाएगा, आपका अकाउंट भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, और कोई डाउट आप लोगों का? नो सर, नो 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 सर। ठीक है, ओके, तो मैंने एक जस्ट पॉजिटिव इनिशिएशन लिया आप लोगों को हेल्प करने के लिए, इसको आप लोग भी पॉजिटिव लेना, कोई भी निगेटिव थॉट हो, कोई भी डाउट हो मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना, अपने मन में कुछ भी मत रखना कि ऐसा क्या है, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, डायरेक्ट आप मुझसे पूछ लो फेस टू फेस, जो भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मुझे बताओ, दिल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग वापस से नहीं मिलेंगे, कभी और मिलेंगे 1 वीक के बाद, क्या एग्जैक्टली रिजल्ट रहा, आप लोगों का अकाउंट जब कन्फिगर होगा, आप लोगों का जो प्रॉफिट होगा आप लोग बताना, ग्रुप में शेयर करना, ताकि और भी लोग देखें, उन लोगों को समझ में आए कि हाँ एग्जैक्टली कैसे प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ताकि वो भी आगे उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन एम है कि मुझे अगर कुछ ऐसा चीज़ है मेरे पास जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगा, तो मैं बस यही चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँच पाए, ताकि मैक्सिमम पब्लिक इस चीज़ की हेल्प ले पाए, ठीक है, और मैक्सिमम लोगों को तक प्रॉफिट जा पाए, जो अभी सिर्फ लॉस जा रहा था। देखो मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं जो आपसे पैसे लेंगे, आपको सब्सक्रिप्शन बेचेंगे, हर एक चीज़ देंगे, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम हो गया, पैसे आ गए, वो आपको भूल जाएंगे, बट मेरा वैसा कोई एम नहीं है आपसे। अगर मैं कोई, अगर आप मुझे ब्रोकरेज भी दे रहे हो ना, तो मैं आपको पूरा ख्याल रखूंगा कि हाँ आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, और मैंने तो आपको कमिटमेंट दिया, अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा 10% का रिटर्न फिक्स्ड आपको कौन दे रहा है मार्केट में मंथली बेसिस पे, मुझे बताओ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो 10% का रिटर्न मैं पॉकेट से थोड़ी दे रहा हूँ, अगर आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा, पूरे महीने में अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, या नो प्रॉफिट नो लॉस रहा, तो ऑब्वियस ये बात है ना, ब्रोकरेज तो जनरेट हुआ, मान लो 2000-3000 का जो ब्रोकरेज जनरेट होगा वो तो मेरे पास आएगा, ब्रोकरेज भी आपको देने के लिए रेडी हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको यूज़ करो, समझ रहे हो आप? करेक्ट करेक्ट सर। तो मैं पॉकेट से कुछ नहीं दे रहा हूँ, तो उतना आप मेरे लिए ये मत हो, बट अगर मैं दे रहा हूँ उस चीज़ भी तो समझो कि चलो अपना सर बेनिफिट छोड़कर मेरे बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ रीजन है इस वजह से, वरना इतना आपके लिए कोई भी नहीं करेगा, पूरे मार्केट में आप ढूंढ लो। नहीं ये कहा से बताया कि छोटा सा क्यूरियोसिटी था, बोलिए। हेलो, मैं सर कह रहा हूँ एक छोटा सा क्यूरियोसिटी था, आप कहाँ से हो सर, कहाँ से बिलोंग करते हो? दिल्ली? नहीं, मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, बट मैं रहता दिल्ली में हूँ काफी टाइम से। दिल्ली में? ओके, तो कभी मिले सर? अरे बिल्कुल। चलो सर, पर्सनल मैसेज करूंगा आपको, फिर मैं भी दिल्ली गई हूँ। ओके ओके, जरूर मिलते हैं, ठीक है। हेलो सर जी, बोलिए। अरे जगदीश जी, जगदीश बात कर रहा हूँ। अरे बताइए, कैसे हो आप? बस बढ़िया सर, बताओ। बहुत दिनों के बाद आपके क्लास ज्वाइन किया मैंने। क्लास नहीं था ये मेरे लिए, तो क्लास ही हो गया सर। बताइए बताइए बताइए। चलो बस बात करनी थी, मैं बोला चलो बहुत दिन के बाद सर को याद आया, तो याद कर लिया सर आपको मैंने। अरे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, जो चीज़ें मैंने अभी बताया स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो 40-50 लोगों से मैं भी इसको स्टार्ट कर रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं ये काम मैं ऑलरेडी कितने लोगों के साथ कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 30 लोगों के साथ, ठीक है, तो 30 लोगों के साथ मैं ऑलरेडी ये काम कर रहा हूं, आप लोग और स्टार्ट हो जाओगे 40-50 लोग, तो मे बी 100 लेवल तक हम लोग पहुँच जाएंगे, तो फिर हमारा काम फिर आगे का चलेगा, और 100 लोगों से फिर हम इसको 1000 भी करेंगे, 50,000 भी करेंगे, और 1,00,000 भी करेंगे, ठीक है, बट देखते हैं किस तरीके से हमारा ये पूरा काम होता है। ओके, इसमें और भी चीज़ें मैं अपडेट कर रहा हूँ, जितना बेटर हो सके उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि फिर जो लॉसेज की चांसेज है ना वो और कम हो पाए, ठीक है। ठीक है, आई होप अभी आपको सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोग चीज़ें स्टार्ट कीजिए, लिंक भेज दिया हूँ, अकाउंट बना लीजिए, कोई डाउट आए तो मुझे बताइए, फिर आगे का हम काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, बाय। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।